वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, भारत में एक सवाल पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है, जब सॉफ्टवेयर बिलियनर एन आर नारायण मूर्ति ने कहा कि युवाओं को देश के विकास में मदद करने के लिए वीक में 70 आवर्स काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देखिए। इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति सेज यंग आईटी वर्कर शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक, न्यू वर्क कल्चर इज नीडेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेज हुआ कि प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए और ग्लोबल स्टेज पर इफेक्टिवली कम्पीट करने के लिए भारत के युवाओं को कितने घंटे तक काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नारायण मूर्ति ने कहा कि युवाओं को बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वीक में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करने के लिए कहा। एक दिन ऑफ होता है तो 6 दिन 70 आवर्स काम करने की डिमांड रखी। कई लोगों ने कहा कि ये गलत है, इतने घंटे तक काम कैसे कर सकते हैं, ये डिमांड बहुत ज्यादा है। ओला के को फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने कहा कि इस विचार से मैं एग्री हूँ कि ये हमारा समय है कि हम सब कुछ करें और वो बनाए जो अन्य देशों ने नहीं बनाया है, और कहा कि हमारे यहाँ वर्कर 70 आवर्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट बॉसेस थे वो सब कह रहे थे कि आप 70 आवर्स वर्क वीक की बात कर रहे हो, हम तो इससे भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। JSW के चेयरमैन MD सज्जन जिंदल ने कहा कि इस जनरेशन को और नेक्स्ट जनरेशन को भविष्य के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि भारत को 2047 तक एक डेवलप नेशन बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। टेक फाउंडर ने सजेशन दिया कि लो प्रोडक्टिविटी भारत को उसके पोटेंशियल से पीछे कर रही है, और युवाओं को कहा कि भारतीयों को जर्मनी और जापान के वॉर के बाद उन्होंने जो रीबिल्डिंग किया है उससे कुछ सीखना चाहिए। पहली बार भारत को कुछ सम्मान मिला है तो इस समय को खोना नहीं चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा उन्होंने 1981 में $250 और 6 इंजीनियरों के साथ इंफोसिस की शुरुआत करी थी, और लोअर कॉस्ट वाले भारत में IT ऑपरेशन को आउटसोर्स करने की उम्मीद करने वाली टेक कंपनी का फायदा उठाया। उन्होंने 2002 में CEO का पद छोड़ दिया। हाल में इंफोसिस की मार्केट कैपिटलाइजेशन $68 बिलियन है। लास्ट ईयर अराउंड $18 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट थी, तो इस साल 14.6% रेवेन्यू इंक्रीज हो गई है। ग्लोबल स्टेज पर वर्कर्स लगभग 32% अपना समय काम करने के बजाय कहीं और बिताते हैं। अब यहाँ पर इतने घंटे तक काम करने की बहस इस समय आई जब दुनिया भर में COVID-19 पेंडेमिक ने लोगों को काम के साथ अपने रिलेशनशिप को रीवेल्यूट करने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों ने महसूस किया कि जब वो घर से काम करते हैं तो वो मोर प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि कई लोग हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को एडवोकेट करते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने COVID-19 पेंडेमिक से पहले हर साल 2000 आवर्स से ज्यादा काम किया है, जो US, ब्राजील, जर्मनी के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्किंग आवर्स और बढ़ाने चाहिए, और साथ में आप जो करते हैं उसमें अपस्किलिंग लाना, वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये सभी चीजें मैटर करती है। IT कंपनी टेक महिंद्रा के CEO CP गरनानी ने कहा कि जो 70 आवर्स काम करने की बात करी गई है ये सिर्फ कंपनी के लिए और देश के लिए नहीं है। 10,000 आवर्स का ऐसा इन्वेस्ट करें जो किसी व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनाता है, अपने फील्ड में आप मास्टर बनो। तो यहाँ पर नारायण मूर्ति जो ये डिमांड कर रहे हैं, क्या इस बात से सभी लोग सहमत होंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।